सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 4 जून को शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का निपटारा कर दिया। ऐसा तब हुआ जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि अंतिम आरोप पत्र 3 सप्ताह में दायर किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 3 जुलाई 2024 तक का समय दिया। साथ ही कोर्ट ने इस आरोप पत्र के दाखिल होने के बाद याचिका कोर्ट के समक्ष लाने की छूट भी दी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 मई के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सिसोदिया द्वारा दायर दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI और प्रवर्तन निदेशालय यानी ED दोनों ने आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ मामले दर्ज किए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआत में कहा कि सिसोदिया पिछले 15 महीने से हिरासत में है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगर मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है तो वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष नई जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की ये दलील खारिज कर दी थी कि मामले में कार्यवाही में देरी हुई है। ये भी देखा गया था कि तथाकथित देरी स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी नेता के कारण हुई है। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।